टू द इंग्लिश शो अगेन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसको पहचानते कैसे हैं, किस तरीके के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो क्या यूज होती है, और इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सिंगुलर के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, प्लूरल के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ये सारा कुछ बहुत बेसिक लेवल से हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप बेसिक लेवल में अच्छे हैं और एडवांस लेवल की ग्रामर इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, जिससे कि बस आने वाले समय में आपको एडवांस लेक्चर्स मिलने लगेंगे, जहां पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगी, साथ ही साथ जो है उसको एक किसी भी वाक्य को कितनी तरीके से हम बोलते हैं, कितनी तरीके से उसे ट्रांसलेट करते हैं, वो सारा कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो द एक्शन दैट इज डन इन प्रेजेंट, हाउएवर देयर इज नो डिफाइंड टाइम लिमिट गिवन टू इट बीइंग अकम्प्लिश्ड। इट मींस कि एक ऐसा काम, एक ऐसी घटना जो घटित होती है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, जो भी काम कंप्लीट हुआ है उसकी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब वो एक प्रकार से आपकी हैबिट में है, ठीक है, जो यूजुअली आप करते ही रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि करण स्कूल जाता है, एक हैबिट है, एक ऐसा काम है, एक ऐसी क्रिया है, ऐसी घटना जो यूजुअली घटित होती है। तो करण स्कूल जाता है, मैं किताब पढ़ता हूं, तुम भगवान की पूजा करते हो, वह गाना गाती है, वे घर आते हैं, वो अपने घर में रहते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं, ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आइडेंटिटी मतलब पहचान, कि वाक्य में जो क्रिया होती है, जो काम होता है, क्रिया के साथ साथ जुड़कर जो है वो लास्ट में वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं। ऐसे जो भी वर्ड मतलब क्रिया के साथ साथ जुड़कर किसी भी वाक्य में आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें यानी कि सहायक क्रिया क्या यूज होती है, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसमें आई, यू, वी, दे, दीज, दोज एंड नेम्स, यानी कि एक से अधिक नेम के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे आपके प्लूरल होते हैं, इसमें हम डू का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, एज अ सब्जेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड नेम, सिंगुलर, सिंगल नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है, कॉपी पेन आपको साथ में रखना है, नोट करते रहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर हम देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स, वह स्कूल, करण स्कूल जाता है, मतलब करण नेम है, करण नेम है, सिंगुलर के साथ हम यस का इस्तेमाल, गोज टू स्कूल, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड द बुक,
तुम भगवान की पूजा करते हो, यू वर्शिप द गॉड, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वे घर आते हैं, दे कम टू होम, वो अपने घर में रहते हैं, दे लिव इन दियर होम, वो अपना काम खुद करते हैं, सॉरी हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर ओन वर्क, ठीक है, हम अपना काम खुद करते हैं। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब देखिए ये जो ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है, ये हमने कर दिया डायरेक्टली, लेकिन आप लोग इसे कैसे करेंगे? अगर आप लोग बेसिक लर्निंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो किसी एक वाक्य को, जैसे करण स्कूल जाता है तो किसी एक वाक्य को हम कितनी तरीके से बोलते हैं और कितनी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, तो ये हम सीखेंगे। और एक ही बार आपको सीखना है, इसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता हो गया, डू डज हैज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आपको प्रीवियस जो लास्ट वीडियोस थे उसमें पता चल गया होगा कि किसी एक भी सेंटेंस को हम कितनी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो जो पहला है वो हमारा अफर्मेटिव होता है, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रहे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद अदर्स आते हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जो यस या यस आता है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे करण है तो करण क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो करण स्कूल जाता है तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा करण, करण। अब वर्ब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, जाना, और जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, लेकिन ये करण जो है आपका सिंगुलर है तो इसमें ईएस लग जाएगा, करण गोज टू कहां जाता है, स्कूल। सिंपली ट्रांसलेट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपका। अगर करण की जगह यहां पर तुम होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां हो जाता यू गो टू स्कूल, ठीक है, यहां गोज नहीं लगेगा क्योंकि जो यू है वो प्लूरल है, ठीक है, और यू के साथ डू का ही मतलब हम इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि जिसके साथ यस है यस है, डू के साथ अगर यस है तो ये बन जाता है डज, और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ, जो हमारा यू है वो हो गया प्लूरल यहाँ पे, ठीक है, तो और इसके साथ हमेशा इस्तेमाल होता है डू, ठीक है, तो ईएस जिसके साथ है उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जिसके साथ ईएस नहीं है वो आपका प्लूरल होगा। यूजुअली यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही केवल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस, इसी का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज। अब डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, आपको हमने बता रखा है, आपने नोट डाउन कर रखा होगा। उसके तुरंत बाद आपका नॉट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स अगर हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो करण स्कूल नहीं जाता है तो सबसे पहले आएगा आपका करण, और इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा आपका डज, तो करण डज
फिर नॉट, फिर गो टू स्कूल, करण डज नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसका स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यानी कि डू या डज। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अगर अदर वर्ड्स हैं तो। ठीक है जी, और ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होता है। तो क्या करण स्कूल जाता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले करण के साथ क्या लगेगा, डज, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा डज, सब्जेक्ट आपका करण, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क से एंड हो। डज करण गो टू स्कूल, क्या करण स्कूल जाता है, थर्ड हो गया आपका। फोर्थ होन की तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक है, उसके साथ साथ नेगेटिव है, तो जो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी में नहीं का जब इस्तेमाल करके हम बोलते हैं क्या करण स्कूल नहीं जाता है, तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें हमेशा एक चीज याद रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, डज। ठीक है जी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करण के साथ लगेगा, डज नेम है डज, फिर आपका सब्जेक्ट यानी करण आ जाएगा, करण, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, डज करण नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क सेंड होगा। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। नोट करते चलना है आप लोगों को, ठीक है, नोट करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी एक वाक्य को हम छह तरीके से कैसे बनाते हैं, और इसकी फिर जब प्रैक्टिस करेंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। फिफ्थ वाक्य जो आपका फिफ्थ सेंटेंस बनता है क्वेश्चन वर्ड, या फिर उसे डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, जो भी आपका हिंदी वाक्य होता है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली, उसमें आपका वाय यानी क्यों, वेयर कहाँ, वेन कब, हाउ कैसे, वोट क्या, वॉट क्या, एंड मेनी मोर, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली के 50 प्लस क्वेश्चन वर्ड की एक वीडियो जो है द इंग्लिश शो सेम चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली बाय द इंग्लिश शो, तो आपको 50 प्लस वर्ड्स डब्ल्यू एच फैमिली की एक वीडियो मिलेगी जिसमें एग्जाम्पल्स के साथ सारे वर्ड को डिफाइन किया गया है, बताया गया, आप जाके वहां सीख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ का मतलब होता है, इसकी इंग्लिश होती है वेयर। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना है उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड ही आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, अदर्स में जो भी वर्ड्स अगर एक्स्ट्रा हैं तो वो आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहां की इंग्लिश हो जाएगी, वेयर। अब करण के साथ क्या लगता है, हमेशा डज, वेयर डज करण गो टू स्कूल, सिंपल है। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड जब मिडल में आता है तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिक्स सेंटेंस। सिक्स सेंटेंस जो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें जब नहीं का इस्तेमाल करके हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा,
और इसमें भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का तुरंत बाद में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका व्हाई डज करण, सब्जेक्ट है करण, उसके तुरंत बाद नॉट आएगा। व्हाई डज करण नॉट गो टू स्कूल, आपका वर्ब है जाना, ठीक है। यहीं पे अगर करण की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट बदल सकते हो, जैसे कि हम स्कूल कहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कहाँ के लिए वेयर, ठीक है, वेयर डज करण नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर कहाँ था, इसलिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वाय का नहीं। तो अगर हम यहां पर करण की जगह सब्जेक्ट बदलते हैं, हम लिख देते हैं, तुम दे मतलब वे, ठीक है। तो अगर हम स्कूल कहां नहीं जाते, सबसे पहले आएगा आपका वेयर सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, देन आपका सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है हम। तो हम की इंग्लिश होगी वी, वी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम, टू। तो वाई टू वी, वी के बाद तुरंत नॉट आएगा, वो नॉट गो टू स्कूल। तो आप इसमें सब्जेक्ट चेंज कर करके बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आप नोट डाउन करते चल रहे हैं तो आप आसानी से मिला मिला के जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके लिए कुछ यहाँ पर वाक्य हैं जो एक एक्सरसाइज है, जिनको आप 6 बॉक्सेस में ट्रांसलेट करें, ठीक है। लेट्स मेक ईच सेंटेंस इंटू 6 बॉक्सेस, मतलब 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि रोहित गाना गाता है, तो रोहित क्या है, नेम है, रोहित के साथ क्या लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, वर्ब यानी गाना, सिंग होती है उसके लिए सिंग्स हो जाएगा, यस लगेगा, यस ए यस लगाते हैं, रोहित सिंग्स और सॉन्ग, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, रोहित गाना नहीं गाता है। इंट्रोगेटिव, क्या रोहित गाना गाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या रोहित गाना नहीं गाता है। इंट्रोगेटिव प्लस यानी कि डबल इंट्रोगेटिव, अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ बीच मिडल में हिंदी वाक्य के क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो रोहित गाना क्यों गाता है, उसको जब नेगेटिव में बनाएंगे तो रोहित गाना क्यों नहीं गाता है। तो इस तरीके से आप किसी एक वाक्य को 6 बॉक्स में 6 सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर पाएंगे और उनको प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप ये 10 वाक्य हैं, इन 10 के 10 को आप बढ़िया से 6 बॉक्स में ट्रांसलेट करिए और एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेसन था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप लोग आई होप कि सीख पाए होंगे कुछ, और इसको नोट करते हुए अगर आप लर्न कर रहे हैं तो 100% गारंटीड आप लोग इसे बढ़िया से लर्न कर पाए होंगे, ठीक है। एडवांस लेक्चर वीडियोस आपके जैसे ये फिनिश होते हैं वैसे ही आने लगेंगे, प्रैक्टिस सेट आने लगेंगे, प्रैक्टिस करवाने लगेंगे। बहुत जल्द आप लोग इंग्लिश की ग्रामर के साथ साथ आप स्पोकन सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ में अगर आपके जानकारी में कोई आपका दोस्त, कोई आपके कॉलीग्स जो इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग बढ़िया से सीख पाए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जो बेसिक सीरीज हमारी चल रही है, बिल्कुल बेसिक लर्निंग जिसमें हम लोग कर रहे हैं कि ग्रामर को स्पोकन, मतलब ग्रामर को अगर स्पोकन में हम लाते हैं
और जो बेसिक हमें सीखना होता है तो किन किन चीज़ों को सीखना होता है, जिसमें टेंसेस, मॉडल्स, जनरल जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमें लर्न करना होता है। तो उसका जो है ये सेकेंड वीडियो है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन एंडेड इन द पास्ट टाइम नॉट इम्पॉर्टेंट एट द प्रेजेंट टाइम। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें कोई भी घटना, कोई भी क्रिया एक आदत के तौर पे, एक हैबिट के तौर पे होती थी, ठीक है, पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हैं कि करण स्कूल जाता था, एक हैबिट में था जो कि पास्ट में था। मैं किताब पढ़ता था, तुम भगवान की पूजा करते थे, वह गाना गाती थी, वे घर आते थे, हम अपना काम खुद करते थे, वो मंदिर जाते थे। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, इसको आप पहचानने के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, बेसिक जब हम लोग लर्निंग करते हैं तो उसको आइडेंटिटी के जरिए ही समझते हैं। जब हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन से, हम सेंस ऑफ सेंटेंस से हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने के लिए आपको जो पहचान है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाक्य में जो भी आप वाक्य बोलते हैं क्रिया के साथ साथ जुड़कर जो है ता था, ती थी, ते थे, या फिर लास्ट में या, ही, ये ऐसे वाक्य बनकर आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डिड। ठीक है, डिड का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब देखिए, इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम्स, या फिर ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ साथ हम केवल और केवल डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जैसे वाक्य है, करण स्कूल जाता था, तो हो जाएगा करण वेंट वेंट टू स्कूल। ठीक है, करण वेंट टू स्कूल। अब जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वेंट। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम समझेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से कि आखिर हम एक सेंटेंस को कितनी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, कितनी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करना है। एक चीज साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आपको बताया जा रहा है ये नोट करते रहना है, इसको समझते रहना है। ठीक है, तो एक वाक्य को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, वो है 6 तरीके से, जिसमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आपका। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। याद रहे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन आदर्स, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब एक चीज एकदम से याद रखना है आपको कायदे से कि पूरी ग्रामर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफॉर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में ही सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी पूरी ग्रामर में कहीं पर भी नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, करण स्कूल जाता था, तो जो इसमें क्रिया हो रही है वो जाना हो रहा है। ठीक है, तो सब जो आपका स्ट्रक्चर बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि करण आया, सबसे पहले करण, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट, और जो थर्ड होती है वो होती है गॉन, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो जो क्रिया यानी कि वर्ब होती है, कई तरीके की होती है, वर्ब के लेक्चर्स भी आने वाले,
लेक्चर्स में पढ़ेंगे सारा का सारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, बहुत ही डीप में बारीक लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। बस आपको पेशेंस रखना और एक एक चीज को नोट्स के साथ सीखते ही रहना है। तो जो सेकंड फॉर्म है वो है वेंट, तो करण वेंट अब कहाँ जाता है, स्कूल, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो है करण वेंट टू स्कूल। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स होते, ठीक है, तो वहां उसके आगे अदर वर्ड भी हम यहाँ लगा दें, ठीक है। तो सेंटेंस स्मॉल है बेसिक लर्निंग के लिए, करण वेंट टू स्कूल। तो ये आपका बना कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका बनेगा वो है नेगेटिव सेंटेंस। आप सभी लोगों को भली बात पता है सेकंड सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूला टाइप है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, और उसके तुरंत बाद नॉट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब लगेगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, करण, करण, फिर डिड, उसके तुरंत बाद आपका आएगा नॉट, करण डिड नॉट, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल, करण डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, करण डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा सीखिए, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सीखिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, नोट्स बनाते रहिए, कंफर्म 100% श्योर आप लर्न कर पाएंगे और सीख पाएंगे, हर एक चीज बोल पाएंगे। आगे चलते हैं, थर्ड सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो है हमेशा एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, तो शुरू होता है हमेशा क्या से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है हमेशा, क्या करण स्कूल जाता था, पास्ट में बात होगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में आएगा आपका डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट करण, डिड करण, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो डिड करण गो टू स्कूल, एंड देन क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। तो ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको जब नेगेटिव वे में कहते हैं तब हम क्या करते हैं, तो उसमें बस फर्क इतना होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है शुरू होता है क्या से, तो क्या करण स्कूल नहीं जाता था, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर देन आपका आपका आएगा सब्जेक्ट करण, देन नेगेटिव है तो नॉट, डिड करण नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका बनता है वो बनेगा आपका फिफ्थ वन, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका हिंदी वाक्य बनता है उसमें मिडल में बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, डब्ल्यू एच वर्ड आता है, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड, वाई, वेन, वेयर, हाउ, वॉट, या ऐसे करके जितने भी जिसमें क्वेश्चन आता है वो आपके डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत आएंगे। तो कहाँ की इंग्लिश जो है वो होती है वेयर। तो सबसे पहले आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें आता है क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा वेयर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, डिड, वेयर डिड, कौन, करण, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल,
स्कूल आपका ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे और अदर वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल करण स्कूल कहाँ जाता था, तो यहाँ पर अगर आप और ऐड करना चाहें वाक्य में तो क्या ऐड कर सकते हैं? करण स्कूल कहाँ जाता था, उसके स्कूल का नाम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि करण स्कूल कहाँ पढ़ने जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ब आ जाएंगी, तो जो जब दो आ जाएंगी तो उनको हम मर्ज मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए कर ही लेते हैं। वेयर डिड करण गो टू स्टडी। ठीक है, ये यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो गया है। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ना, ठीक है, पढ़ाई करना बेसिकली एज ए वर्ब कह सकते हैं इसे, क्योंकि एज ए वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जब दो वर्ब हो जाते हैं तो वहां पर हम इन्फिनेटिव से उसे जोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाक्य आपका जो बनता है वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। तो जो उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका डिड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो हो जाएगा आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट करण, देन वर्ब गो टू स्कूल। तो सेम हो गया, ये मिसिंग है। तो वेयर डिड करण नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा करण के तुरंत बाद में आएगा नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो आपका ये सिक्स सेंटेंस बन गया। तो आप लोग समझ सकते हैं किसी एक वाक्य को हम छह वाक्यों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे आप लोगों के लिए सेम एक्सरसाइज है जिसमें डिड का इस्तेमाल करते हुए आपको बनाना है, ईच सेंटेंस को आपको सिक्स बॉक्स में बनाना है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो सिंग सैंग सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा, सिंग सैंग सॉन्ग सॉरी संग ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, रीड स्पेलिंग सेम रहेगी, पढ़ेंगे रेड रेड। ठीक है, लर्न का लर्न ईडी लगा देंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। वास का आप वॉस्ट ईडी लगा के वास्ट वॉस्ट। कम केम सेकेंड फॉर्म, कम अगेन थर्ड फॉर्म। गेट अप का गॉट अप सेकेंड फॉर्म, गॉट अप ही थर्ड फॉर्म। कुक कुक्ड सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज्ड हो सकता है इसका, एक्सरसाइज्ड सेकेंड। गो का अब ये भी बताया गया, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये आपके तीनों फॉर्म हैं वर्ब की। ठीक है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी अब आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हर एक वाक्य को आपने सिक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, सिक्स बॉक्स में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये बेसिक लेसन था बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल में, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, आप सीखते रहिए। और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद लर्नर्स। जो अगर कोई सीखना चाहता है, ठीक है, नहीं भी सीखना चाहता, आपकी जानकारी में है, स्टूडेंट है, तो उसके साथ एक लोगों के साथ कम से कम शेयर करिए, जिससे कि किसी की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। द इंग्लिश शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो लेसन है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बिल्कुल बेसिक से लर्निंग थी। ठीक है, बेसिक मतलब कि जो बारीक लेवल से स्टडी हमें करना है, जो हमें जो गैप हो जाता है, हम लोग बेसिक सेंटेंसेस रट करके या फिर सुन सुन करके बोलने तो लगते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि किसी एक वाक्य को हम कितनी तरीके से बोल सकते हैं, कितनी तरीके से उसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्पोकन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, साधारण तरीके से उस वाक्य, किसी भी वाक्य को कैसे कहते हैं, ठीक है, तो वो जो मिस है, मतलब जो गैप है, उस चीज़ को कवर करने के लिए बेसिक लेसन्स का स्टडी करना ज़रूरी होता है। इसीलिए इंडेफिनिट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ रखा है, तो ये जो थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड सेंटेंस है, थर्ड टेंस का जो इंडेफिनिट पार्ट है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, बेसिक से अगर आप देखें तो दिस टेंस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज नॉट टेकन प्लेस येट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। देखिए क्या होता है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो भी कार्य, एक्शन का मतलब कार्य, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना, ठीक है, तो जो भी कार्य, जो भी एक्शन, जो भी घटना अभी तक नहीं घटी है वो फ्यूचर में घटित होगी। ठीक है, विल टेक प्लेस इन फ्यूचर मतलब कि जो भी घटनाएं अभी तक नहीं घटी हैं और फ्यूचर में घटित होंगी, ठीक है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आप कह सकते हैं आएंगे, ठीक है, या फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आए। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है, तो बेसिकली जितने भी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत वाक्य आते हैं उनके लास्ट में गा गी गे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे इसमें अंतर क्या है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ साथ जुड़कर गा गी गे आएगा, नेक्स्ट जो होंगे उसमें किसी में कंटिन्यूटी होगी, रहा होगा किसी में, ठीक है, किसी में जो है अकम्प्लिशमेंट, यानी कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो वहां से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी वाक्य क्रिया के साथ जुड़कर गा गी गे लास्ट में अगर वाक्य के आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत फॉल करेगा। इंपॉर्टेंट नोट, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, यानी कि सहायक क्रिया, तो इसमें विल और शैल का इस्तेमाल हम करते हैं। आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, ही सी इट दिस दैट दीज दोज नेम, या फिर एक से अधिक नेम्स, दे, इन सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य किस तरीके के आते हैं, एग्जांपल आप देख सकते हैं, करण स्कूल जाएगा, मैं किताब पढ़ूंगा, ये जो क्रिया है उसके साथ गा आ रहा है, जाएगा क्रिया, जाना हो रहा उसके साथ गा आ रहा है, पूजा करोगे क्रिया जो है, काम जो हो रहा है करना, उसके साथ गा आ रहा है, ठीक है, गाना गाएगी, गाना जो गा रहे उसके साथ क्या आ रहा है, क्रिया के साथ क्या आ रहा है, गी आ रहा है, गा गी गे जो है वाक्य में क्रिया के साथ जुड़कर आएगा, ये सारे के सारे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत फॉल करेंगे। करण स्कूल जाएगा, करण एक नेम है, तो करण विल Go to school. करण एक
और शैल किसके साथ इस्तेमाल होता है? केवल और केवल आई वी के साथ, ठीक है। ग्रस्त जो बसते हैं उनके उन सभी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए एक जैसे वाक्य तो इसको हम कितने तरीके से कह सकते हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है। कितनी तरीके से कह सकते हैं, करण स्कूल जाएगा, करण स्कूल नहीं जाएगा, क्या स्कूल जाएगा, क्या स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल कहाँ जाएगा, स्कूल कब जाएगा, कब नहीं जाएगा, ये चीज है। तो इसको हम कितनी तरीके से कह सकते हैं, इसके लिए आपको बारीकी से अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हेडिंग आपने लगा रखी होगी, नोट करते चलिएगा। विल शैल पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस है आपका, जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। करण स्कूल जाएगा, करण क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल इस्तेमाल होगा, क्योंकि शैल का इस्तेमाल केवल और केवल हम आई वी के साथ करते हैं, बाकी के साथ विल का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, करण। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है करण, हेल्पिंग वर्ब विल, देन क्रिया काम क्या हो रहा है, जाना, जाना के साथ गा रहा है करण, जाना के इंग्लिश को, करण विल गो, कहाँ जाएगा, गो टू स्कूल फुल स्टॉप, करण विल गो टू स्कूल, सिंपली ट्रांसलेट। इसी जगह पर अगर होता कि मैं स्कूल जाऊंगा तो आई शैल, इसके साथ शैल का इस्तेमाल, तो आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। जब इसको हम नेगेटिव में बनाते हैं सेम सेंटेंस का, जब नेगेटिव तरीके से कहते हैं, ठीक है, नकारात्मक, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट विल और शैल, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका फिर वही आ जाएगा करण, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, देन नॉट, करण विल नॉट जाना, गो टू स्कूल फुल स्टॉप, सिंपल है। सेकेंड सेंटेंस हो गया, नोट करते जाना है, समझते जाना है आपको। थर्ड सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव वाक्य हमेशा जो क्या से शुरू होता है, उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, अदर्स। तो करण के साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल, तो सबसे पहले आएगा विल, देन आपका सब्जेक्ट आएगा विल करण, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, विल करण गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया। देन आपका फोर्थ वन आएगा, फोर्थ वन इंट्रोगेटिव, जो सेम वाक्य है आपका इंट्रोगेटिव प्लस, उसको हम नेगेटिव में जब बोलेंगे तो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा क्या से शुरू हुआ वाक्य होगा, जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या करण स्कूल नहीं जाएगा, तो सबसे पहले विल आएगा आपका, स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, विल और शैल, करण के साथ विल आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है, ठीक है, तो वहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट आपका करण, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, विल करण नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क सेंड करेंगे। हो गया जी फोर्थ वन आपका। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे।
फिफ्थ आपका जो वाक्य है वो है क्वेश्चन वर्ड, या फिर इसे आप डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हो। इसमें जो आपका हिंदी वाक्य होता है उसमें बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, डब्ल्यू एच आता है, डब्ल्यू एच यानी वाय, वेन, वेयर, वाय, ऐसे जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। यहां पर कहां, वेयर, इसकी इंग्लिश क्या होती है, वेयर, ठीक है। अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि हमारे डब्ल्यू एच के बारे में अगर आपको कम नॉलेज है, 50 प्लस वर्ड्स विद एग्जांपल्स एक वीडियो है जो कि सेम चैनल द इंग्लिश शो पे पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर सर्च करके सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, देन विल और शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड यानी कि वेयर, उसके बाद करण के साथ क्या लग रहा है यहाँ पे, विल, वेयर विल करण गो टू स्कूल। करण स्कूल कहाँ जाएगा। देन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जो आपका मिडिल हिंदी वाक्य में मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक वर्ब वर्ड आ जाता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, उसके साथ साथ जब हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं, तो वो आपका डबल इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। इस तरीके से भी वाक्य हम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड वेयर, विल, करण, नॉट, नॉट आ रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वेयर विल करण नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड सेंड। तो आपका सिक्स सेंटेंस भी बन गए। तो कुछ इस तरीके से आप किसी एक वाक्य को बोलते हैं। तो आपको समझने के लिए ये सारे सिक्स बॉक्सेस हैं जिनको आप आगे चल के कुछ एक्सरसाइज की मदद से, ये आपके 10 सेंटेंसेज हैं जिनको आप सिक्स बॉक्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए, जो ये वर्ब हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, इनको आप लोग इस्तेमाल करिए अपने वाक्य में, और साथ ही साथ सिक्स बॉक्स में कन्वर्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, जरूर आप लोग सीख पाएंगे, 100% सीख पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लेसन्स हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया आपको, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। तो अब आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल द इंग्लिश शो पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए, और साथ ही साथ में कोशिश करें कि एक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि अगर वीडियो चलेगा और लर्निंग होती रहेगी तो इससे मोटिवेशन मिलेगी और हम और भी एडवांस लेवल की वीडियोज बनाएंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आज का हमारा लेसन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सारे लेसन कवर कर लिए हैं। आज का लेसन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग बेसिक से बिल्कुल सीखेंगे कैसे एक सेंटेंस को हम 6 वाक्यों में कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली होता क्या है, द एक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट इज हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
मतलब कि जिस भी कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तुरंत हो रहा होता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, करण स्कूल जा रहा है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं तभी वो काम हो रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, वह गाना गा रही है, वे घर आ रहे हैं, वो अपना काम खुद कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं। तो जब भी हम जो भी बात कर रहे हैं तुरंत, ठीक है, उसी समय जो कार्य हो रहा है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, करण स्कूल जा रहा है, करण इज गोइंग टू स्कूल। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक। अब देखिए, ये जो इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट हुआ, इसमें ये सब्जेक्ट जो है इसके साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, यही सब कुछ तो हमें सीखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी है, कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य किसमें है, आप डेफिनेशन के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो जो भी क्रिया घटित घटना जो घटित हो रही होती वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। जबकि अगर आप चाहें तो आइडेंटिटी यानी कि जो पहचान है किसी भी वाक्य की, पहचान कैसे आप करेंगे, तो वाक्य में जो क्रिया है, जो काम हो रहा है वाक्य में, उसके साथ साथ जुड़कर रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, इज एम आर, ये तीन सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जिसमें आई यानी कि मैं, आई के साथ एम, यू, वी, दे, दीज, दोज और एक से अधिक नाम, नेम्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर सिंगल नेम के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलना है। बेसिक से अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज समझना चाहते हैं, तो बेस्ट पार्ट यही होगा इस लेसन का कि आप उसे नोट करते हुए चले। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब कोई एक वाक्य जैसे हमने उठा लिया, अनुज कंप्यूटर चला रहा है, ठीक है, चला रहा है। अब एक इस वाक्य को हम कितनी तरीके से बोल सकते हैं ये देखना है, और इसी को ट्रांसलेट करना है, इसी के स्ट्रक्चर को हमें समझना है। एक वाक्य अगर आपकी समझ में आ गया तो एक हो या सौ हो या हजार हो, आपको ट्रांसलेट करने में कितने भी तरीके से ट्रांसलेट करना पड़े या कितने भी तरीके से बोला जा रहा होगा, तो वो सारा आप यहाँ पर सीखने वाले हैं अभी के अभी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आपका बनता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अदर्स। ठीक है, याद रहे कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस आपके बनते हैं उसमें वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपको बताया हमने कि इज का इस्तेमाल, ही, सी, इट, नेम, जितने भी सिंगुलर होंगे, ठीक है, आई का इस्तेमाल सिंगुलर है एम के साथ, और आर का इस्तेमाल यू, वी, दे, दीज, ठीक है, दोज, ये सभी के साथ। आपने अगर नोट कर रखा होगा तो आप बहुत बढ़िया है,
बहुत अच्छा है अगर आप नोट करके पढ़ाई कर रहे हैं नोट्स के साथ, तो आपको समझने में अधिक आसानी होगी। तो एग्जाम्पल जो है आपका क्या, अनुज कंप्यूटर चला रहा है, तो अनुज क्या है, एक नेम है, और इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, इसका, इसका इस्तेमाल होगा इस। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, अनुज, काम करने वाला, अनुज, अनुज के साथ क्या लगेगा, इस, क्या चला रहा है, कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर चलाना या किसी भी गैजेट या किसी भी मशीन को चलाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है ऑपरेट। ठीक है, अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, इंसान चलता है तो वॉक, मशीन चलती है तो ऑपरेट। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी फैन को चलाना है तो क्या बोलेंगे, टर्न ऑन। तो देखिए इसी के बहुत तरीके से जो है बहुत सारे सारी जगहों पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ड का, अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी चीज को चलाना की बात की जाती है। चलाने के लिए बाइक चलाना है तो राइड इस्तेमाल होता है, कार चलानी है तो ड्राइव इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा सेंस ऑफ कम्युनिकेशन और अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू हम सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू वाक्य, जो आपका सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा उसके अनुसार उसको समझ करके कहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल करना है, वो लोग वो सारी चीजें हम आगे सीखते रहेंगे, बेसिक टू एडवांस। तो यहाँ पर कंप्यूटर को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑपरेट। अब देखिए ऑपरेट और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या इस्तेमाल हो, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। तो अनुज इज ऑपरेटिंग, क्या चला रहा है, द कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, तो अनुज इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। जब इसको हम नेगेटिव में बोलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एमआर प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। हिंदी वाक्य आपका बन जाता है अनुज कंप्यूटर नहीं चला रहा है, तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट अनुज, उसके बाद अनुज के साथ क्या लगेगा, इस, अनुज इस, तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट, और वर्ब क्या है, ऑपरेट करना हो तो आईएनजी लगेगा, तो ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, अनुज इज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो आपका सेकेंड सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका थर्ड सेंटेंस है। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले जो है आपका स्ट्रक्चर में जो है हेल्पिंग वर्ब आता है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से ही शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए सबसे पहले इजामार आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले अनुज के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल होगा, इस, देन अनुज, इस अनुज, देन सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑपरेटिंग, तो क्या आईएनजी लगेगा साथ में, इस अनुज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, उसके साथ हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना है आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। इंट्रोगेटिव का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो जो आपका क्या से शुरू हुआ वाक्य है वो नहीं के साथ एंड होगा। क्या अनुज कंप्यूटर नहीं चला रहा है, तो सबसे पहले इस, जो आपका स्ट्रक्चर है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले इस, देन अनुज, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका नॉट आना है, इस अनुज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड।
इज अनुज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट सेंटेंस बन गया, फोर्थ वन। तो चार सेंटेंस किसी एक वाक्य बन गए, आगे वाला कैसा बनेगा, इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो सेंटेंस होगा। डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस कैसा, जो हिंदी वाक्य होगा उसमें मिडल में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच मतलब कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, होम, ऐसे जो भी वाक्य आते हैं डब्ल्यू एच से जो शुरू होते हैं उन्हें डब्ल्यू एच या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई मीन्स क्यों, तो सेंटेंस के बीच में क्या आया है, वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, सबसे पहले क्या लगेगा, वाई, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, अनुज, अनुज के साथ क्या लगता, इस हेल्पिंग वर्ब में इस लगेगा, वाई इस, सब्जेक्ट आपका अनुज हो जाएगा, अनुज, वाई इज अनुज। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब क्या है, चलाना, क्या चलाना, मशीन यानी कि कंप्यूटर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ऑपरेट का हो जाएगा ऑपरेटिंग, द क्या चला रहा है, कंप्यूटर, आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब जब इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं, जो आपका हिंदी वाक्य है उसके बीच में क्वेश्चन के साथ साथ नहीं नेगेटिव भी आ जाता है, तब क्या करते हैं, तो बस स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई, देन आपका इज, देन आपका अनुज, देन आपका तुरंत नॉट आएगा, वाई इज अनुज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क के साथ ही। तो कुछ इस तरीके से हम किसी एक वाक्य को छह वाक्य में बदल करके ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जो आपका वाक्य है, यहाँ अनुज की जगह कोई भी हो सकता, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ठीक है, नेम तो है ही, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा आपको हमने बता रखा है कि इस एम आर में कौन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आई के साथ एम का, यू, वी, दे, दिस, दोस के साथ आर का, ही, शी, इट, नेम के साथ इच का। तो आप आगे चल के यहाँ पर एक्सरसाइज में नेम है, मैं, तुम, वह, इन सभी को आपको इस वाक्य के साथ साथ इस्तेमाल करके एक वाक्य को सिक्स बॉक्स में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना है। किसके साथ क्या लगेगा आपको पता हो गया होगा, ठीक है। और आप लोग इसको सीखने के बाद, सिक्स बॉक्सेस में कन्वर्ट करने के बाद, प्लीज वीडियो में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कितने हद तक समझ में आया है, जितना पढ़ाया गया सिर्फ उतना, ठीक है। इसके आगे जो आगे की क्लासेस होंगी, एडवांस क्लासेस होंगी, वो आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पर डिफिकल्ट सेंटेंसेस, सारे बिजनेस टाइप कम्युनिकेशन, डेली कम्युनिकेशन, ठीक है, जो भी बेसिक टू एडवांस लेवल के कम्युनिकेशन हम डेली लाइफ में करते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड डेटा, उससे रिलेटेड आपके सेंटेंसेस, ठीक है, आपके सामने लेकर आएंगे और साथ में सीखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को जो है द इंग्लिश शो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप नए हैं तो, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिए, जिससे कि आपको
जो भी वीडियो अपलोड करी जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है, और आप उसे लर्न करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कितना सीखा और आपको क्या सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो अगेन। द इंग्लिश शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप हेडिंग लगा सकते हैं, ठीक है, नोट्स को साथ में लेकर बैठना है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने सीखा था टेंस के का जो पहला पार्ट है इंडेफिनिट टेंस में, तीनों हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में पढ़ा था, और अभी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रेजेंट हम पढ़ चुके हैं और पास्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है, द एक्शन वॉज हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी का मतलब है एक ऐसा एक्शन, ठीक है, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा काम जो पास्ट में एक समय से हो रहा था, एक समय के लिए तक चल रहा था, ठीक है, यानी कंटिन्यू था एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चालू, एक ये समय है और एक ये समय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम जो चल रहा था, ऐसे जो वाक्य बनते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल्स यानी कि उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो पहला है करण स्कूल जा रहा था, ठीक है, मतलब अभी जा नहीं रहा, एक समय था जहाँ से उसने शुरू किया और एक समय तक जा रहा था, ठीक है, करण स्कूल जा रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, एक समय से शुरू किया था और एक समय तक मैं किताब पढ़ रहा था, तुम भगवान की पूजा कर रहे थे, वह गाना गा रही थी, वे घर आ रहे थे, वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, हम अपना काम खुद कर रहे थे। इन सारे वाक्यों में एक समय से काम शुरू होता है और एक समय तक चलता रहता है, ठीक है, चल रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये सारे आएंगे, ठीक है जी। अब आगे जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे हम एक वाक्य उठाएं तो इसको कितनी तरीके से हम बोलेंगे, कितनी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, ठीक है, ट्रांसलेट करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। देखिए उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार तो आप समझ गए कि एक समय से काम शुरू हो गया और एक समय तक चल रहा था, यानी कि कंटिन्यू जो है एक समय तक चल रहा था पर्टिकुलर टाइम तक, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन पहचान कैसे करेंगे आप, आइडेंटिटी क्या है इसकी, तो वाक्य में क्रिया के साथ साथ जुड़ करके, क्रिया के साथ साथ जुड़ करके जो है रहा था, रही थी, रहे थे, अगर वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। इसमें जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है वॉज एंड वर, ठीक है, वॉज एंड वर, इसको हम वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं, पहली चीज, ठीक है, वॉज एंड वर। इसमें देखिए यू वी दे दीज दोज और एक से अधिक नेम्स, यानी कि एक से अधिक नेम के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, आई ही शी इट दिस दैट और सिंगल नेम के साथ वाच का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आप पेन और कॉपी के साथ बैठना है, नोट करते हुए चलना है, दिमाग में थोड़ा सा सेट करते रहना है एक एक चीज को, ठीक है, जिससे कि आप लोग बारीकी से सीख। तो एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है तुम कंप्यूटर चला रहे थे, एक समय से शुरू हुआ, एक समय तक चल रहा था, और जैसा कि हमने बताया कि जो क्रिया होगी उसके साथ जुड़कर रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, ठीक है। तो क्या चला रहे थे कंप्यूटर, तो ये जो आपका चलाना है उसके साथ देखिए जुड़ के आ रहा है, चला रहे थे, ठीक है। तो हमें पहचान हो गई कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वॉज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, आईएनजी जुड़ के आएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन अगर आपके पास अदर्स है, अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड है।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा? वर्ब, ठीक है। आगे हमने बता भी दिया है, तो यू, वी, दे, दीस, दोस, इन सभी के साथ क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। ही, शी, इट, आई, या फिर सिंगल नेम के साथ वाच का प्रयोग हो, ऑलरेडी बता रखा, फिर भी आप रिमाइंड करते रहे, थोड़ा सा याद होता रहे, जिससे कि यू के साथ वर लगेगा। तो सबसे पहले हम वर लगाएंगे, यू, वर। उसके साथ क्या चला रहे थे? कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने की इंग्लिश ऑपरेट, ठीक है, चलाने के लिए। मशीन चलाने के लिए हम ऑपरेट का इस्तेमाल करते हैं। बाइक अगर चलाना है तो राइड, अगर कार चलानी है तो ड्राइव, ठीक है। अगर हम खुद चलते हैं तो क्या? वॉक, डब्ल्यू ए एल के, ठीक, वॉक पढ़ते हैं इसे, ठीक। तो ऐसे करके अगर हमें चलाने के, चलना चलाना की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है चलना चलाना जो होता है, इसमें हर एक के लिए एक डिफरेंट वर्ड बना हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो मशीन चलाने के लिए हम ऑपरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यू वर्ड ऑपरेट यूज करेंगे, ऑपरेट, लेकिन वर्ब के साथ क्या लगेगा? आई एन जी, तो ऑपरेटिंग, यू वर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ठीक है जी, तो यू वर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, सी का जब नेगेटिव बनेगा तो उसमें नहीं का इस्तेमाल कर देते, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ड, देन तुरंत आपका नॉट आएगा, यू आर नॉट। चलाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? मशीन है कंप्यूटर, तो ऑपरेट, ऑपरेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेट में आई एन जी लगा देंगे, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, तो यू वर नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ठीक है जी। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, क्योंकि जो हिंदी वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है हमेशा। जिसमें भी क्या से शुरू होगा, कोई भी वाक्य जो क्या से शुरू होगा, उसमें उसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे वह है, ठीक है, वह के साथ क्या यूज होगा? वॉज, तो सबसे पहले वॉज आ जाएगा, वॉज। सब्जेक्ट क्या है? वह, वह की इंग्लिश होती है ही, वॉज ही। देन कंप्यूटर चलाना ऑपरेट, और आई एन जी लगेगा तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग, वॉज ही ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, सिंपल है, ट्रांसलेट हो गए ER, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होगा। अगला जो है वो इंट्रोगेटिव का जब नेगेटिव बनाते हैं, तो जो हिंदी वाक्य होता है उसमें नहीं का साथ में इस्तेमाल होता है, और जो शुरू का वाक्य, मतलब वाक्य में जो शुरू में क्या से ही ये शुरू होगा, क्या वह कंप्यूटर नहीं चला रहा था, तो स्ट्रक्चर सेम रहता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है। सब्जेक्ट, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव है वो, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड आया हिंदी वाक्य में, तो ट्रांसलेट करते समय जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जो सब्जेक्ट है वह के साथ इस्तेमाल होगा वॉज, ठीक है, तो वॉज ही, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन आपका ऑपरेटिंग,
ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो चार सेंटेंस बन गए। एक ही वाक्य को हम चार तरीके से ट्रांसलेट कर लिए। अब अगला देखिए पांचवा, पांचवे तरीके से। इसमें जो है मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है हमेशा, ठीक है। जिस भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है उसे हम क्वेश्चन वर्ड या फिर डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं या फिर डब्ल्यू एच। तो डब्ल्यू एच क्या होते हैं? वॉट, डब्ल्यू से शुरू हो, वाई, व्हेन, वेयर, हूज, हूम। तो ये जो डब्ल्यू एच से शुरू हुए वाक्य होते हैं, ठीक है, यही होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश हो गई वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे सबसे पहले जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन वॉज वर्ड हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद सब्जेक्ट है वे, तो वाई वे यानी कि दे, दे का मतलब होता है वो। इसके साथ क्या यूज होता है? वर्ड, पता है आपको, ऑलरेडी देख रखा है। वाई वर्ड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट दे, वाई वर्ड दे, देन ऑपरेट, आपका कंप्यूटर चलाना है, ऑपरेटिंग, क्योंकि आईएनजी लग रहा है वर्ब के साथ, वाई वर्ड दे ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, सिंपली ट्रांसलेट हो गए क्वेश्चन मार्क के साथ, एंड कर दिया। अब इसका जब नेगेटिव बन जाता है तो वो सिक्स सेंटेंस हो जाता है क्वेश्चन वर्ड ही। तो सेम वाक्य होता है, वे कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे थे? तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर होता है एज इट इज होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वाई वर्ड, क्योंकि वेक इंग्लिश क्या होती है? दे, और दे के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है? वर्ड, तो वाई वर्ड दे सब्जेक्ट है ये, तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा? नॉट, वाई वर्ड दे नॉट, देन आपका ऑपरेटिंग आ जाएगा, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप सिक्स सेंटेंस बना सकते हैं और बनाएंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक लेक्चर है, बेसिक से सिखाने का यहाँ पर पर्पज है ये, ठीक है। और आगे जो है आप लोग इस एक्सरसाइज के माध्यम से, यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करिए, और हर एक वाक्य के जो है सिक्स सिक्स जो है बॉक्सेस में से ट्रांसलेट करिए। उसके बाद कमेंट करके बताइए आपको कहाँ तक समझ में आया। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो द इंग्लिश इंग्लिश शो को आप प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ कोशिश करें कि कम से कम नहीं तो एक लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है, जिससे कि जो जिनको जरूरत है बेसिक से बिल्कुल सीखने की, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से कोई अच्छे से समझ पाए। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये होता क्या है आखिर, इसको कैसे हम जानेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। तो द एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि एक समय से लेकर एक समय तक फ्यूचर में अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो करण स्कूल जा रहा होगा,
मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, तुम भगवान की पूजा कर रहे होंगे, वह गाना गा रही होगी, वे घर आ रहे होंगे। तो इन वाक्यों में एक समय से लेकर के एक समय तक के तो इन वाक्यों में एक समय से लेकर के एक समय तक फ्यूचर में कार्य हो रहा होगा। ठीक है जी, ऐसे जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है जी, इसे आप पहचानेंगे कैसे ये भी आप लोग जान लीजिए, इससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो इसकी आइडेंटिटी है वो वाक्य में क्रिया के साथ साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी आदि वाक्य के साथ साथ आएंगे। ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जिसमें आई वी के साथ शैल बी और ही शी इट दिस दैट दे दीज दोज नेम एंड एक से अधिक नेम यानी कि नेम्स के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस चीज को आपको नोट कर लेना है, साथ ही साथ में हमेशा इसमें एक रिमाइंडर सेट रखना है माइंड में कि किसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल उठाते हैं और उसके साथ हम देखते हैं कि इनको कैसे कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि शैल बी का इस्तेमाल आई वी और ही शी इट नेम, ठीक है, यू, इन सभी के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है आपका सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अनुज कंप्यूटर चला रहा होगा, एक समय से शुरू करेगा और एक समय तक चला रहा होगा, और क्रिया के साथ साथ ही रहा होगा आ रहा है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। स्ट्रक्चर जो होगा इसका, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल बी और शैल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है अनुज। ठीक है, तो सबसे पहले होगा अनुज, और अनुज नेम है तो क्या लगेगा, विल बी, तो अनुज विल बी। अब क्या चला रहा है, कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेट। ठीक है, अगर यहीं पे बाइक चलाना होता तो उसके लिए हम राइड इस्तेमाल करते, कार चलानी होती तो उसके लिए हम ड्राइव इस्तेमाल करते। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन चलाने के लिए हम ऑपरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अनुज विल बी ऑपरेट के साथ आईएनजी लगेगा तो ऑपरेटिंग हो जाएगा, अनुज विल बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। ठीक है, सिंपली ट्रांसलेट हो गया। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये सेकेंड सेंटेंस हो गई। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद बी आएगा आपका। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। ठीक है, तो ये जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, अगर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ में आए तो उन दोनों के बीच में ही नॉट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, अनुज सब्जेक्ट, देन अनुज के साथ विल आएगा और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, अनुज विल नॉट, देन आपका बी आएगा, तो हो जाएगा अनुज विल नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। ठीक है जी, तो आपका सेकेंड सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया इस तरीके से। स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसा भी सेंटेंस होगा आप लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो सेंटेंस आपका बनेगा वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। इसमें जो है, जो हिंदी वाक्य होगा हमेशा क्या से शुरू होगा, जहां पर भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो और हम आइडेंटिटी से पहचान पाए,
ठीक है, कि किसमें फॉल कर रहा है वो सेंटेंस, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर वो क्या से शुरू हो रहा है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, देन सब्जेक्ट और उसके बाद भी आएगा, दो हेल्पिंग वर्ब है ठीक, तो उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन क्वेश्चन मार्क आपका ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या वर्ब के साथ क्या लगेगा, विल, तो सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट विल ही, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब यानी विल ही बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, विल ही बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हिंदी वाक्य क्या से ही शुरू होगा, बस बीच में जो है नहीं कब इस्तेमाल किया जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी आपका आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, विल ही, सब्जेक्ट आएगा, देन तुरंत नॉट आएगा, विल ही नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, देन क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, विल ही नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसे ट्रांसलेट करेंगे ठीक है। देन आपका अगला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस फर्क इतना है कि इसमें जो हिंदी वाक्य होगा उसमें मिडल में क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसको जो ट्रांसलेट करते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच आप लोग जान चुके होंगे अब तक कि कौन से होते हैं जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं ठीक है। ये सारे वाक्य, सॉरी ये सारे वर्ड जो हैं क्वेश्चन वर्ड हैं ठीक है, जो डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका वाई आ जाएगा, वाई। अब हम के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और आई वी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं शैल का, तो यहां पे आ जाएगा शैल, वाई शैल वी, देन बी, वाई शैल वी बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे, वाई शैल वी बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। नेक्स्ट जब आपका इसी का नेगेटिव बनेगा तो मिडल में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपका नहीं भी आएगा हिंदी वाक्य में, तो हम कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे होंगे। जब इसका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एच वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ ही नॉट आएगा, क्योंकि आपको हमने बता रखा है कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, उसके तुरंत बाद आपका बी आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, अब हम के साथ क्या लगता है, शैल, वाय शैल वी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाय शैल वी नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो इस तरीके से हमने सिक्स बॉक्स में इसे ट्रांसलेट करा, किसी एक वाक्य को हम छह तरीके से कैसे ट्रांसलेट करते हैं ठीक है जी। अब आगे आपकी ये रही एक्सरसाइज, अब ये यहां पर आपके रहे 1 to 10 सेंटेंसेस,
इनको अब सिक्स बॉक्सेस में सिक्स तरीके से ट्रांसलेट करिए. लेट्स मेक इट सेंटेंस इनटू सिक्स बॉक्सेस. ठीक है, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ तक समझ में आया और किस चीज की आपको जरूरत है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सीखने की. ठीक है, बाकी ऑल ओके. बेसिक लेक्चर है ये, बेसिक इसमें आपको सिखाया गया है, रेस्ट हम लोग आगे और सीखेंगे. तब तक के लिए आप द इंग्लिश शो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन को ऑन करके रख लें, जिससे कि हमारे चैनल की जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे. साथ ही में एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को कम से कम एक लोगों को जरूर शेयर करें, अगर अधिक शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एट लीस्ट शेयर टू वन पर्सन. ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर. नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो. द इंग्लिश शो में आप सभी लोगों का स्वागत है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे. तो सीखते हैं द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड फॉर एक्शंस इवेंट्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड और हैव हैपेंड इन अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ. कहने का मतलब है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन, क्रिया, कोई भी घटना जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, या फिर घटित हो चुकी है एक टाइम से लेकर के अब तक में, यानी कि जैसे कोई काम है वो यहां से शुरू हुआ और यहां तक में वो कंप्लीट हो चुका है. तो फॉर एग्जाम्पल, करण स्कूल जा चुका है. तो करण ने काम मतलब जाना शुरू किया और वो अब तक जा चुका है. मैं किताब पढ़ चुका हूं, तुम भगवान की पूजा कर चुके हो. वह गाना गा चुकी है, वे घर आ चुके हैं. ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे. ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं कि और इजी तरीके से. आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या होती है. ठीक है जी, तो देखिए, आइडेंटिटी यानी कि पहचान. वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया के साथ साथ जुड़कर चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, लिया है, दिया है, या है, ये है, ऐसे अगर वाक्य के साथ में जुड़ करके ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आई वी यू दे दीज दोज और नेम्स के साथ, ठीक है, हैव का इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट दिस दैट नेम के साथ, सिंगल नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं. तो इस चीज को आपको नोट करके रखना है. ठीक है, तो ध्यान में रखना है. अब एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि किसी भी वाक्य को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसे इजी कैसे करते हैं हम ट्रांसलेट करते समय. अगर आप बेसिक लर्नर हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए यह लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, अगर आप कुछ जानते भी हैं तो इसमें भी अगर आप सीख रहे हैं, बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो तब भी आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा. ठीक है जी, तो आपको हैज के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैव के साथ पता हो गया है. ये हैज का इस्तेमाल, ही, शी, इट, नेम, ठीक है, आई, वी, यू, दे, या फिर एक से अधिक नेम के साथ, यानी कि नेम्स के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे. तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है आपका है राम कानपुर जा चुका है, चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, जहां पर भी कार्य अगर कंप्लीट, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, अगर कंप्लीटेड है तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा। ठीक है जी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम एक नेम है, तो क्या यूज होगा इसके साथ, हैज। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा राम हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम क्या हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे जाना। ठीक है, जाना के इंग्लिश क्या होती है, गो, और सेकंड फॉर्म वेंट, और जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा कि जो वर्ब होती है उसके तीन तीन जो है फॉर्म होती हैं, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। तो इसके भी सेपरेट वीडियोस जो है हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ में आपको पूरी पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ाई जाएगी तो वहां पर भी आपको वर्ब के बारे में बताया जाएगा, जहां से आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। तो राम हैज गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म राम हैज गॉन टू कानपुर। ठीक है, फुल स्टॉप के साथ एंड होगा सेंटेंस। ठीक है, जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, सेकंड सेंटेंस होगा, सब स्ट्रक्चर बन जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, ऑब्जेक्ट देन अदर्स। तो सबसे पहले आएगा राम, देन आपका राम के साथ क्या लगेगा, हैज, तुरंत बाद आपका नॉट, राम हैज नॉट गॉन टू कानपुर। ठीक है जी, तो आपका ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है जी, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए, जब हिंदी वाक्य जो है, किसी वाक्य का जो हिंदी वाक्य होता है उसमें अगर क्या से शुरुआत होती है, तो जब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो सेंटेंस होता है किसी भी टेंस में हो, ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो हैज हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो सबसे पहले हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका आएगा हैज, क्योंकि राम, राम के साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि नाम है, हैज राम गॉन टू कानपुर, सिंपल है, देन क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। ठीक है, जब इसका नेगेटिव बनाते हैं हम तो कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में जब नेगेटिव आ जाता है, जो हिंदी वाक्य होता है क्या से शुरू होगा और बीच में नहीं कब इस्तेमाल किया जाएगा, किया जाता है, तो क्या राम कानपुर नहीं जा चुका है, तो सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर होगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट आता है, सिंपल रूल, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा हैज, देन सब्जेक्ट राम, देन नॉट, हैज राम नॉट, देन आपका जाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू कानपुर, और देन आपको क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर लिए, सिंपल है जी। तो फोर्थ सेंटेंस हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस को बोलते हैं, या फिर डबल इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं आप। ऐसे में क्या होता है, जो हिंदी वाक्य होता है उसमें मिडल में, बीच में
डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है। वो इस तरीके के वाक्य, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है जी, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहाँ। तो क्यों की इंग्लिश क्या है यहां पे, व्हाई, तो जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हैज है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका क्या आ जाएगा, व्हाई, देन राम के साथ क्या लग रहा है, हैज, व्हाई हैज, देन सब्जेक्ट आपका राम, देन गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन वर्ड के साथ एंड हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आएगा, जब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्वेश्चन वर्ड, देन हैज है, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब ऑलवेज थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका बनेगा व्हाई, देन हैज, देन राम, देन तुरंत बाद क्या लग रहा है, नॉट, व्हाई हैज राम नॉट गॉन टू मार्केट, सॉरी कानपुर, देन क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, कानपुर ही होगा, ठीक है जी, कानपुर। तो आपका यहां पर क्या हुआ, कानपुर, ठीक है जी, कानपुर क्वेश्चन वर्ड। देन यहां पर भी आपका क्या आएगा, कानपुर, ठीक है, माय मिस्टेक। तो इस तरीके से आपने सिक्स बॉक्सेस में कैसे ट्रांसलेट किया इसे देख ली, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर है जैसे कि हमने सिक्स बॉक्सेस में इसे ट्रांसलेट करा, वैसे ही सेम आप, ठीक है, आपको भी करना है, हैज हैव को लेकर के सिक्स बॉक्सेस में, इन टेन सेंटेंसेस को आप सिक्स सिक्स बॉक्सेस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप ट्रांसलेट करके कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। आज का हमारा जो लेसन है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। द इवेंट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर एन अदर इवेंट इन द पास्ट। कहने का मतलब है कि एक ऐसी घटना जो घटित होती है किसी घटना घटने के पहले, ठीक है, वो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, करण मंदिर जा चुका था, मतलब कि इसके पहले कोई घटना घट चुकी थी, ठीक है। जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले करण मंदिर जा चुका था, उसके आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था, ठीक है, हमारे वहां पहुंचने से पहले वो भगवान की पूजा कर चुके थे, हम वहां पहुंचते कि उससे पहले वो गाना गा चुकी थी, ठीक है, हम घर नहीं पहुंचे लेकिन वो घर आ चुके थे। तो इस तरीके से, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक ऐसी घटना जो घटती है किसी दूसरी घटना घटने से पहले, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिटी हम लोग जान लेते हैं। जैसे वाक्य में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या था, ये थी, ऐसे अगर वाक्य आ रहे हैं, ठीक है, एंड अगर जो वाक्य है वो इन शब्दों के साथ अगर एंड हो रहा है, तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो
पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हैड का इस्तेमाल होता है सारे के साथ, आई वी यू दे ही दिस दोस सब के साथ सिर्फ और सिर्फ हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। एग्जाम्पल है राम कानपुर जा चुका था, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा राम, देन आपका हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमेशा सबके साथ लगेगी, राम हैड गॉन टू कानपुर। अब देखिए यहां पर जो जाना है, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और जो थर्ड है वो है गॉन। ठीक है, तो जो परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो गो की जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। ठीक है, राम हैड गॉन टू कानपुर, सिंपल है। नेक्स्ट, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। हिंदी वाक्य है आपका राम कानपुर नहीं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले राम यानी सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, ऑब्वियस है नॉट लगेगा, राम हैड नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन टू कानपुर। आसान है, तो दो वाक्यों को आपने ट्रांसलेट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या वाक्य बन सकता है। तो हिंदी वाक्य जो बना आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर क्या से शुरू होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले आपका हेड आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट राम, हैड राम, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन टू कानपुर। अब ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए सब एंड किसके साथ होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ। जब इसका नेगेटिव बनता है, जो वाक्य है वो क्या से शुरू हुआ है, बीच में जो है नहीं का इस्तेमाल किया, क्या राम कानपुर नहीं जा चुका था, तो सबसे पहले हैड और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। ठीक है जी, तो क्या क्या हो जाएगा, हैड राम, देन नॉट, देन वर्ब थर्ड गॉन टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। ठीक है जी, तो चार सेंटेंस हो गए, और इसके कितने वाक्य बन सकते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव का एक और, इसमें क्या होता है, इसे आप क्वेश्चन वर्ड डबल इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हिंदी जो वाक्य होता है उसमें मिडल में जो है डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को रखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि आपका वाय, देन हैड हेल्पिंग वर्ब, वाय हैड, देन राम आपका सब्जेक्ट, वाय हैड राम, देन आपका वर्ब थर्ड, वाय हैड राम गॉन टू कानपुर। सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड से एंड हुआ। अब जब इसका भी हम नेगेटिव बनाते हैं, जब मिडल में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी मिलता है, तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगता है, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो क्या हो जाएगा, वाय, देन आपका हैड, देन सब्जेक्ट आपका आएगा राम, तुरंत बाद में नॉट, वाय हैड राम नॉट गॉन टू कानपुर।
देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ट्रांसलेट हो गया। देन आपकी जो ये है एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सिक्स बॉक्सेस में जिस तरीके से हमने ट्रांसलेट किया किसी एक वाक्य को और किसमें के साथ क्या लगेगा आपको पता चल गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है ये भी पता चल गया है, नोट्स के साथ आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आप एक एक वाक्य को जो है आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और सिक्स बॉक्स में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इन सभी वाक्यों में जो भी क्रिया हो रही है उनके वर्ब्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनका इस्तेमाल करके सिक्स बॉक्स में कन्वर्ट करिए एंड देन आप कमेंट करके बताइए कि आपको अगर कहीं पे भी सीखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो द इंग्लिश शो हमारा चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है। साथ ही साथ आपको वीडियो को शेयर भी करना है जिससे कि अगर किसी को लर्निंग करनी है, सीखना चाहते हैं, नहीं भी सीखना चाहते हैं तो आप पॉजिटिवली आप उन्हें समझाने की कोशिश करें और सिखाने की कोशिश करें। इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट है जो कि हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेसिकली होता क्या है और इसमें वाक्य किस तरीके के आते हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे ट्रांसलेट करना है, ये सारा कुछ हम इसमें सीखेंगे। तो बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है कि द टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन और इवेंट्स दैट विल बी ओवर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। कहने का मतलब है कि एक समय से फ्यूचर में जो है जो भी कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है, इवेंट यानी कि कोई घटना होती है, वो चलेगी और एक पर्टिकुलर टाइम में ओवर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। जो काम शुरू होगा यहाँ से वो पूरी तरीके से क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे जो वाक्य आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, करण स्कूल जा चुका होगा। देखिए, एक टाइम पर जो है वो पहुंच चुका होगा। करण जो है स्कूल जा रहा था और एक समय से जाना शुरू करा और एक समय पर पहुंच चुका होगा, मतलब एक इमेजिनेशन पे हो सकता है, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि हम मान के चलते हैं कि एक समय पर जो है वो पहुंच चुका होगा। ऐसे जो भी वाक्य होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। मैं किताब पढ़ चुका हूंगा, जैसे हम सुबह बात करें कि 9 बजे तक हम किताब पढ़ चुके होंगे। अगर कोई भी लेसन है जिसे आपको पढ़ना है तो 9 बजे तक आप सोच सकते हैं, सोच रहे हैं और दिमाग में आप ये आइडिया लगा रहे हैं कि 9 बजे तक हम किताब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तुम भगवान की पूजा कर चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे। वह गाना गा चुकी होगी, वे घर आ चुके होंगे। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, हम इसे पहचानते कैसे हैं, इसकी पहचान क्या है। तो हिंदी शब्द की क्रिया के साथ जुड़कर हिंदी वाक्य में, ठीक है, जो भी हिंदी वाक्य होता है, ठीक है, क्रिया के साथ जुड़कर चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होंगी या चुके होंगे के साथ जुड़कर वाक्य आते हैं, जिसमें सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग वर्ब वो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आई वी के साथ शैल हैव एंड ही शी इट दिस दैट दे दीज दोज
नेम या एक से अधिक नेम्स, मतलब एक से अधिक नेम है यानी कि नेम्स है, उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये चीज़ क्या करना है, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ये कुछ आप रूल्स कह सकते हो, तो आपको नोट्स बना के रखना है और नोट में इसे नोट करते हुए चलना है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लर्न कर रहे हैं, बिगिनर हैं, और ये लेसन जो है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ही है। आइए देखते हैं किसी भी वाक्य को हम कितने स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि विल हैव एंड शैल हैव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें शैल हैव का प्रयोग आई वी के साथ होता है, और जो बचे हुए ही, शी, इट, यू, दे, दीज, दोज, इन सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या हिंदी में सकारात्मक वाक्य आप कह सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका, देन विल हैव और शैल हैव आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। देन आपका ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। एग्जाम्पल है आपका, वह स्कूल जा चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, फिर वह के इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव, ही विल हैव। अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी कि क्रिया, काम क्या हो रहा है, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और सेकेंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, गॉन, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है जी। जब इसे हम नेगेटिव बनाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, देन आपको तुरंत नॉट आएगा, और जब हेल्पिंग वर्ब डबल होते हैं तो नॉट के बाद सेकेंड हेल्पिंग वर्ब आता है, विल और शैल, देन नॉट, एंड देन हैव, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर्स, ठीक है। तो आपका जो हिंदी वाक्य है वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ही, देन ही के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल, देन तुरंत बाद क्या आ रहा है, नॉट, he will not have, in verb third, gone to school, full stop। तो कुछ इस तरीके से second sentence हमारा translate हो गया। अब देखते हैं कि और कैसे वाक्य बन सकते हैं, इसके third देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका third वाक्य बनेगा वो शुरू हो रहा है क्या से, तो यानी कि इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल आएगा, देन आपका तुरंत बाद सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर्स, और हमेशा एंड होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्या वह स्कूल जा चुका होगा, हिंदी वाक्य शुरू हो रहा है क्या से, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, पता है आप लोगों को। तो सबसे पहले वह के साथ क्या लगेगा, विल, तो हम क्या लिखेंगे, विल, विल, देन सब्जेक्ट ही, विल ही हैव, देन सेकंड हेल्पिंग, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, देन आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, तो थर्ड हो गया। जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं, जो हिंदी वाक्य है क्या से ही शुरू होगा, बस बीच में नहीं का उपयोग हो जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव में बनता है तो तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को पता है। बाकी स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों सेम रहेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल, देन सब्जेक्ट,
तुरंत बाद में नॉट, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, विल, ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है जी, इन क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अगला वाक्य किस तरीके का बन सकता है इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिडल में होता है, तो उसको हम WH या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसमें जो आपका हिंदी वाक्य होता है उसमें मिडल में, बीच में WH वर्ड आ जाता है यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कि व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ऐसे जो वाक्य होते हैं हमारे क्या होते हैं, WH वर्ड। ठीक है, जिनमें क्वेश्चन जो है बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो व्हाई की हिंदी क्या होती है, क्यों, तो मिडल में आया है। वह स्कूल क्यों जा चुका होगा, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर जो स्ट्रक्चर बनता है, तो सबसे पहले आपका WH वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा WH वर्ड यानी कि व्हाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है व्हाई, देन विल, देन सब्जेक्ट आएगा ही, व्हाई विल ही, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हैव, व्हाई विल ही हैव गॉन टू स्कूल, एंड क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। ठीक है जी, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, जो मिडल में हिंदी वाक्य के मिडल में क्वेश्चन वर्ड आया है उसके साथ नहीं का भी उपयोग जब आ जाता है, तब हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड, सबसे पहले देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तुरंत बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर। तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल ही सब्जेक्ट, देन तुरंत बाद नॉट, व्हाई विल ही नॉट हैव, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, व्हाई विल ही नॉट हैव, देन वर्ब थर्ड, गॉन टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क से एंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया। तो हम 6 सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं किसी एक वाक्य के। ठीक है, तो 6 के 6 स्ट्रक्चर जो है हमने सीखा कि प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 6 तरीके से हम किसी भी एक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखते हैं, ये है एक्सरसाइज जिसमें विल हैव एंड शैल हैव का उपयोग करके आपको ये 10 सेंटेंसेज हैं जिनको आपको 6 बॉक्सेस में 6 तरीके से ट्रांसलेट करना है, 6 स्ट्रक्चर्स में आपको ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि वर्ब यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सीख गए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है 6 स्ट्रक्चर में से, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
देखिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ कह सकते हैं अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मोर फोकस्ड रहना है, ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि रूल्स ज़्यादा हैं, या अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं या फिर आपको पता भी है बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो आइए सीखते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो द टेंस शोज द दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टाइम से शुरू हुआ और एक टाइम तक वो कार्य कंटिन्यू है, चल रहा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो करण 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो एक टाइम से करण चालू हुआ और एक टाइम तक जा रहा है 2 घंटे से। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, सुबह से एक टाइम से किताब पढ़ना चालू करा और एक टाइम तक पढ़ रहा है। तुम 1 घंटे से भगवान की पूजा कर रहे हो, 1 घंटे से भगवान की पूजा इन पास्ट में चालू हुआ करना और अभी तक कर रहा है। वह 10 बजे से गाना गा रही है, हम 2 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, वो 3 साल से BA में पढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसे हम और किस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी जो इसकी है, जो पहचान है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे ही है, सेम। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाक्य में क्रिया के साथ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, रहा है, रही है से नहीं पहचानना है। यहाँ पर वाक्य में आपको एक सर्टेन टाइम या अनसर्टेन, यानी निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहेगा, ठीक है। तो उसमें वाक्य से आप पहचान पाएंगे कि ये किस टेंस में फॉल कर रहा है, ठीक है। इसमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो सहायक क्रिया हैज बीन एंड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन टाइम आपका होता है निश्चित समय, अनसर्टेन टाइम आपका अनिश्चित समय। इसको कह सकते हो कि अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन टाइम कौन सा है, यानी निश्चित समय, जैसे 10 बजे से 10 AM मॉर्निंग, पता है कंफर्म, हमें निश्चित है कि मॉर्निंग से कोई काम कर रहा है। फ्राइडे, हमें पता है दिन कि फ्राइडे से कोई काम कर रहा है। मार्च, हमें पता है कि कोई मार्च से, हमें पता है कि कोई 2010 से काम कर रहा है, ठीक है। देखिए यानी कि इसमें आप कह सकते हो कि अगर टाइम दिया हुआ है निश्चित या फिर अगर आपके उसमें वीक नेम हो, या फिर सुबह शाम दोपहर है, अगर मॉर्निंग इवनिंग इवनिंग आफ्टरनून, या फिर कोई मंथ नेम है या कोई ईयर नेम है, ठीक है। अगर वो कंफर्म हमें पता है, निश्चित है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का, सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। अनसर्टेन टाइम यानी कि अनिश्चित समय है, अ पीरियड ऑफ टाइम है लेकिन हमें पता नहीं है। 30 मिनट्स, हमें पता नहीं है कौन से 30 मिनट। 5 डेज, हमें पता नहीं कौन से 5 डेज। 2 ईयर्स, हमें पता नहीं है कौन से 2 साल, ठीक है, कौन से 2 ईयर्स। 3 सेंचुरीज, हमें पता नहीं है कौन सी सेंचुरीज की बात हो रही है। एजेस, हमें पता नहीं है किस समय की बात हो रही है।
अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंस एंड फॉर यानी कि सर्टेन और अनसर्टेन समय अगर वाक्य के साथ है और उसके साथ में जुड़ करके वाक्य के क्रिया में के साथ जुड़ करके रहा हूँ रही हूँ रहा है रही है, ऐसे वाक्य के साथ जो है वाक्य एंड कर रहा है, ठीक है, वाक्य फिनिश हो रहा है समाप्त हो रहा है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉल करेगा, ठीक है, जिसमें आई वी यू दे दीज दोज एंड नेम्स के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ही शी इट दिस दैट एंड सिंगल नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आपको नोट करते हुए चलना है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों को कायदे से पेन और कॉपी लेकर के बैठ करके ही स्टडी करना है, जिससे कि आप हर एक चीज को अच्छे से सीख पाए। आइए अब देखते हैं किसी एक वाक्य के जरिए कि हम इसे कितनी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं और इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो हैज बीन के लिए आपको हमने बता दिया, हैव बीन के लिए बता दिया, ही शी इट नेम, यहाँ पर आई वी यू दे, इन सभी के साथ हैव बीन का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा पहला, और यहाँ पर जो आपका हिंदी वाक्य है राम सुबह सुबह से, इसमें देखिए एक सर्टेन टाइम दिया गया है यानी कि निश्चित समय हमें पता है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट देन हैज बीन और हैव बीन, दो में से एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट देन अदर्स। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो है राम, एक नेम है और नेम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज बीन का, तो हो जाएगा राम हैज बीन जाना, जाना की इंग्लिश गो, और इसमें आई एन जी लगाना है हमें, तो हो जाएगा गोइंग। तो राम हैज बीन गोइंग टू कानपुर, कानपुर जा रहा था, कब से, सुबह से, निश्चित समय, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। आप अगर नोट बना के चल रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि निश्चित समय के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंस का, ठीक है। जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज और हैव, देन नॉट, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो हिंदी वाक्य क्या बन रहा है कि राम सुबह से कानपुर नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, राम आपका सब्जेक्ट, देन राम के साथ क्या लग रहा हैज, देन नॉट, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू कानपुर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए हिंदी वाक्य में अगर क्या से शुरुआत होती है तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या राम सुबह से कानपुर जा रहा है, तो सबसे पहले हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले राम के साथ क्या लगेगा, हैज, हैज देन तुरंत बाद सब्जेक्ट यानी कि राम, हैज राम बीन गोइंग
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी, गोइंग टू कानपुर सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग क्या है? एक निश्चित समय और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. जब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो जो आपका हिंदी वाक्य होगा क्या से शुरू होगा और बीच में क्या आएगा? नहीं, नेगेटिव सेंटेंस बन गया है. तो सबसे पहले हैज और हैव, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स. तो राम के साथ क्या आ रहा है? हैज राम. नॉट आएगा तुरंत सब्जेक्ट के बाद, तो राम के बाद नॉट आ गया. हैज राम नॉट बीन, उसके बाद बीन आ रहा है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ आईएनजी, गोइंग टू कानपुर सिंस मॉर्निंग. ठीक है जी, आगे देखते हैं. अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे आप क्वेश्चन वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं. इसमें क्या होता है, जो हिंदी वाक्य होता है उसके मिडल में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड आता है. डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं जिनमें क्वेश्चन होता है वो क्या होते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड. ठीक है, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब के साथ फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स. तो इसमें क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई. देन आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट है राम, राम के साथ लग रहा है हैज. व्हाई हैज राम बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, गोइंग टू कानपुर. कब से? सुबह से. निश्चित समय तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा. ठीक है, जब इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है. ठीक है, इसमें मिडल में क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है, तब आपका वाक्य कैसे ट्रांसलेट होता है और स्ट्रक्चर क्या बनता है? डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले, देन हैज है, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं. देन बीन यानी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स. तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? व्हाई, क्यों के लिए व्हाई. देन हेल्पिंग वर्ब हैज, राम के साथ हैज लग रहा है. देन सब्जेक्ट राम, व्हाई हैज राम. देन तुरंत बाद क्या है? नॉट. व्हाई हैज राम नॉट. सेकेंड हेल्पिंग वर्ब बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, गोइंग टू कानपुर सिंस मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क के साथ एंड. तो कुछ इस तरीके से हम इसी एक वाक्य को छह तरीके से ट्रांसलेट किए. इसमें निश्चित और अनिश्चित समय होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब देखिए एक वाक्य को लेकर के हमने आपको बता दिया कि कैसे छह तरीके से ट्रांसलेट करेंगे. अब हैज बीन एंड हैव बीन का प्रयोग करके आप ये एट सेंटेंस को सिक्स बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे. जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो टोटल सेंटेंस बनेंगे आपके 8 6 48. तो 48 सेंटेंसेस बनेंगे आपको ट्रांसलेट करके क्या करना है? प्रैक्टिस करना है. ठीक है, निश्चित और निश्चित समय के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? निश्चित के लिए यानी कि सर्टेन टाइम के लिए, सिंस
और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर। निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है? कल से यानी यस्टरडे से निश्चित है, 10 मिनट से हमें पता नहीं है कौन सा है 10 मिनट, ये अनिश्चित है। 2 दिन से अनिश्चित है, हमें पता नहीं 2 दिन कौन है वो। दोपहर से निश्चित है, हमें पता है आफ्टरनून से। लंबे समय से हमें पता नहीं है कौन सा लंबा समय है, अनसर्टेन यानी कि फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आपको देखो यहाँ हम बता देते हैं, रोहित कल से यानी कि यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा, 10 मिनट से फॉर का इस्तेमाल होगा, अनिश्चित है। 2 दिन से पता नहीं है, फॉर का इस्तेमाल होगा। दोपहर से निश्चित है, सिंस का इस्तेमाल होगा, हमें पता है निश्चित समय है। पिछले लंबे समय से फॉर का इस्तेमाल होगा, हमें लंबा समय कौन सा है पता नहीं। सुबह से निश्चित समय है, सिंस का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ। 5 महीने से हमें पता नहीं है 5 महीने कौन से हैं, इसलिए फॉर। 10 बजे से निश्चित समय है, ये सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस इन 8 सेंटेंसेस को 6 बॉक्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और लास्ट में आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल द इंग्लिश शो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हेडिंग लगा लीजिए और पेन एंड कॉपी साथ में लेकर के बैठ जाइए। तो द टेंस शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप टू Until another time in the past। कहने का मतलब है एक कार्य जो पास्ट में ही शुरू हुआ और एक समय तक चलता रहा जब तक कि कोई दूसरा वर्क शुरू नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि पास्ट में ही काम एक समय से लेकर दूसरे समय तक कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है, जब तक कि दूसरा कार्य शुरू नहीं हुआ। उदाहरण आप देखेंगे तो करण 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा था, तुम 1 घंटे से भगवान की पूजा कर रहे थे, वह 10 बजे से गाना गा रही थी, ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसमें आइडेंटिटी क्या है, वाक्य में के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसे ही आइडेंटिटी है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है तो इसमें आपको जानना होगा। इसमें सर्टेन एंड अनसर्टेन यानी कि निश्चित समय और अनिश्चित समय दिया गया होता है। अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम आप कह सकते हैं। सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन टाइम कौन कौन से हो सकते हैं? 10 एम यानी कि टाइम हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट निश्चित समय हो सकता है, फ्राइडे यानी कि वीक का कोई नेम, मार्च मंथ का कोई नेम, 2010 यानी कि ईयर निश्चित, जिसमें हमें पता हो कि जो कार्य चल रहा था वो किस समय से चल रहा था, एक निश्चित समय के साथ, अ पॉइंट इन द पास्ट जहां से स्टार्ट हुआ। अनसर्टेन टाइम कौन सा होता है? निश्चित समय। अ पीरियड ऑफ टाइम जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, 30 मिनट्स, अब 30 मिनट्स कौन से हैं, 5 डेज हमें पता नहीं, 2 ईयर्स कौन से 2 ईयर्स,
थ्री सेंचुरीज, एजेस, लॉन्ग टाइम, ये अनसर्टेन अनिश्चित समय है, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें वाक्य में अगर सर्टेन टाइम आता है, निश्चित समय आता है, तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और अनिश्चित समय आता है तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वाक्य में, आपके वाक्य में अगर सर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन टाइम आ रहा है, तभी वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉल करेगा। अब इसमें देखते हैं कि जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, दिस, दोस, दैट, दिस, सब के साथ केवल और केवल हैड बीन का ही इस्तेमाल होता है, केवल और केवल हैड बीन का, ठीक है। आइए देखते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हैड बीन, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप एक एक चीज को नोट करते आप लोगों ने चलना है। अब देखते हैं पहला सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल है, अनुज सुबह से पत्र लिख रहा था। सुबह से एक निश्चित टाइम है, ठीक है, निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस, और अनिश्चित के लिए और पता करके रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अनुज, अनुज हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद अनुज हैड बीन लिखना क्या, पत्र। तो लिखने के इंग्लिश क्या होती है, राइट प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो अनुज हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहा था, पत्र, अ लेटर। कब से, सुबह से, निश्चित समय, यानी कि सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अनुज हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सेकेंड वन, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन हैड, उसके बाद नॉट आएगा, देन बीन, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो आपका जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट अनुज, देन हैड, देन तुरंत नॉट, अनुज हैड नॉट बीन, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, अनुज हैड नॉट बीन राइटिंग राइटिंग अ राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अनुज हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कैसा हम बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, देन सब्जेक्ट, देन सेकंड हेल्पिंग वर्ब बी, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले हैड आएगा,
देन सब्जेक्ट आएगा अनुज, हैड अनुज बीन राइटिंग, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, लिखना की इंग्लिश राइट, और आईएनजी के साथ राइटिंग, हैड अनुज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क, एंड होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, हैड अनुज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हिंदी वाक्य से शुरू हो और बीच में नेगेटिव भी हो तो स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और जो दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, पहले आएगा आपका हैड, देन सब्जेक्ट के साथ नॉट, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका हैड आएगा, हैड अनुज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड, हैड अनुज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अगला देखते हैं, अगला जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, बट उसका जो हिंदी वाक्य है उसमें बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हूम, ऐसे जो वाक्य होते हैं डब्ल्यू एच, देखिए इसमें तो डब्ल्यू एच नहीं आ रहा है, लेकिन जिसमें भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत रखा है, तो इसमें भी क्वेश्चन है, इसलिए ये भी डब्ल्यू एच वर्ड है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीइंग, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले यहां पर कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, हाउ हैड, देन सब्जेक्ट अनुज, हाउ हैड अनुज, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है, क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस एंड होगा, निश्चित समय के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंस। हाउ हैड अनुज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनता है, जब सेकेंड टाइप का जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन वर्ड जब मिडल में आता है हिंदी वाक्य के और साथ में नहीं भी आता है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन बीन, देन वर्ड फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हाउ हैड अनुज नॉट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हैड, देन आपका सब्जेक्ट, देन नॉट, देन आपका सेकेंड हेल्पिंग वर्ड बीन, देन वर्ड फर्स्ट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग वर्ड फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट आपका लेटर, देन अदर्स में आपका आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क। तो सिंस किसके साथ लगा रहे हैं, निश्चित समय, निश्चित समय क्या है, सुबह से।
आई होप समझ में आया होगा आपको। और देखा आपने कि किस तरीके से एक वाक्य को सिक्स स्ट्रक्चर में हमने कैसे ट्रांसलेट करा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे कैसे हमें इसे ट्रांसलेट करना है। अब आगे देखिए, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन का इस्तेमाल करके लेट्स मेक इस सेंटेंस इनटू सिक्स बॉक्स, यानी कि सिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर आठ एट टोटल आपके सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको अगर सिक्स से अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे 48 सेंटेंसेस। इन्हें आप ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करिए, साथ में ही अगर आपको कहीं पर डाउट है तो कमेंट करिए। और द इंग्लिश शो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो नया लेक्चर अगर अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको मिले। साथ में एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम एक लोगों को तक जरूर शेयर करें। अगर और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक लोगों के साथ हमारी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, जो हम टेंस पढ़ रहे थे, टेंस टोटल हमारे कितने होते हैं? तीन। और तीन के कितने कितने फॉर्म्स हैं? चार चार, टोटल कितने हो गए? 12। उन 12 में से ये 12th है। लास्ट टेंस आज हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, आइए देखते हैं कि द टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। कहने का मतलब है भविष्य में एक समय से काम जो होता है, जो एक्शन है, वो कंटिन्यू होगा, एक समय से चालू होगा और एक पॉइंट तक चलता रहेगा, यानी कि भविष्य में चालू होकर वो कंटिन्यू एक समय तक रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे करण 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, मतलब कि जो करण है वो एक टाइम से चालू हुआ और एक टाइम तक करण कहाँ जा रहा है? स्कूल। एक टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, ये डेफिनेशन वही बता रहे। ठीक है जी, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक किताब पढ़ रहा हूँगा। तुम 1 घंटे से भगवान की पूजा कर रहे होंगे, एक समय से शुरू होगा और एक समय तक वो पूजा कर रहा होगा। वह 10 बजे से गाना गा रही होगी, एक समय से गाना शुरू करेगी और कंटिन्यू एक पॉइंट तक गाना गाती रहेगी भविष्य में, फ्यूचर में। ठीक है, आइए देखते हैं और कैसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमने बोल रखा है कि हेडिंग आपको लगा लेना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, साथ में ही पेन कॉपी लेकर के बैठना है क्योंकि ये लेक्चर वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है इसकी पहचान? वाक्य में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे, आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो ये है कि इसमें सर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन टाइम, यानी कि निश्चित एंड अनिश्चित समय आपके वाक्य में साथ में दिया रहेगा। अगर निश्चित समय दिया है तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं और अनिश्चित समय दिया है तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित समय क्या होता है? पास्ट में एक टाइम होता है। ठीक है, अनिश्चित समय क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक यहां से लेकर यहां तक का समय। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है? एक पॉइंट है, एक टाइम है। अब देखिए निश्चित समय क्या होता है, जैसे कि 10 AM,
10 एएम एक निश्चित समय टाइम है, मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम, आफ्टरनून नाइट, क्या है ये टाइम है जो कि निश्चित है। फ्राइडे सैटरडे ये सब क्या है, वीक है जो कि हमें कंफर्म पता है। मार्च मंथ, अप्रैल मई ये सब क्या है, हमें पता है कि एक निश्चित समय है। ईयर 2010 हमें पता है कि ये एक निश्चित टाइम है। इसके लिए हम वाक्य में अगर निश्चित समय आ रहा है तो सिंस, अगर अनिश्चित समय आ रहा है 30 मिनट जो हमें नहीं पता है कौन से 30 मिनट्स, 5 डेज अनिश्चित है, 2 इयर्स अनिश्चित है, 3 सेंचुरीज 3rd सेंचुरीज नहीं पता हमें, एजेस लॉन्ग टाइम ये हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कौन सा समय, इसलिए से अनिश्चित समय यानी कि अनसर्टेन टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ऐसा कुछ वाक्य में आता है तो आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे अगर वाक्य आपके सामने आता है। इसमें देखिए क्या होता है, आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ही शी इट यू दिस दैट दे दीज दोज नेम या फिर नेम्स एक से अधिक नेम के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। अब देखते हैं किसी एक वाक्य के थ्रू अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनता है और उसको हम पहचानेंगे कैसे। अनु सुबह से पत्र लिख रहा होगा, सुबह से एक टाइम हमें दे दिया गया जिसमें कि निश्चित टाइम है, तो हमें पता चल गया कि यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दिन विल और शैल हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले अनुज, अनुज एक नेम है और उसके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, विल हैव बीन। तो अनुज विल हैव बीन, अब पत्र लिखना, लिखने की इंग्लिश राइटिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो अनुज विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अनुज विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो जो आपका अफर्मेटिव वाक्य होता है बस उसी के साथ नहीं का भी जिक्र हो जाता है उस वाक्य में। अनुज सुबह से पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, देन नॉट आएगा, देन हैव बीन, आपका अब जो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हैव बीन एक साथ आएगा, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट देन अदर्स। क्या हो जाएगा, सबसे पहले अनुज, देन विल, देन तुरंत बाद में आएगा पहले नॉट, अनुज विल नॉट हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि राइटिंग, क्योंकि पत्र लिख रहा है, राइटिंग अ लेटर सिंस, कब से, सुबह से, निश्चित समय है तो सिंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है मॉर्निंग, फुल स्टॉप, अनुज विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य।
अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्या अनुज सुबह से पत्र लिख रहा होगा तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? विल, क्योंकि अनुज के साथ क्या लगेगा? विल। ठीक है, अनुज के साथ क्या लगेगा? विल। विल अनुज हैव बीन, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट राइटिंग, राइटिंग अ पत्र, अ लेटर, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही एंड होगा जो आपका वाक्य। अनुज विल अनुज हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। जब इसका नेगेटिव बनता है तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? सबसे पहले विल और शैल, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। जो हिंदी वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है, लेकिन बीच में क्या होता है? नहीं का भी प्रयोग होता है, नहीं भी उसके साथ आता है, तभी वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले अनुज के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट आपका क्या है? अनुज। विल अनुज नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ रहा है, विल अनुज नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, कब से? सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। तो सबसे पहले आपको क्या आया? विल अनुज के साथ क्या लगेगा? विल, देन सब्जेक्ट आपका अनुज, देन आपका नॉट, देन हैव बीन, एंड देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, राइटिंग, देन आपका जो है ऑब्जेक्ट, अ लेटर, एक जो पत्र है, देन सिंस मॉर्निंग, कब से? मॉर्निंग से। तो विल अनुज नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दूसरी तरीके से कैसे बनाते हैं? तो जब हिंदी वाक्य में मिडल में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तब कैसे उसे ट्रांसलेट करते हैं? तो उसका स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले जो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ, देन आपका अनुज के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब में? विल। हाउ विल, देन सब्जेक्ट अनुज, देन हाउ बीन, हाउ विल अनुज हैव बीन, देन आपका वर्ब लिख रहा, लिखना तो आईएनजी के साथ है तो राइट, आईएनजी, राइटिंग क्या लिख रहा था? पत्र, अ लेटर, कब से? सुबह से। तो सर्टेन टाइम है, निश्चित समय है, तो क्या यूज करेंगे? सिंस, देन मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। ठीक है, तो हाउ विल अनुज हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले आपको क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड हाउ, देन सब्जेक्ट अनुज के साथ क्या लगेगा? विल, देन
How will then subject Anush? How will Anush not? Subject ke baad not. How will Anush not have been? Then verb first ke saath ing. Writing. Kya likhna tha? A letter. Kab se? Subah se. Since मॉर्निंग देन क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से हमने सिक्स बॉक्स में ट्रांसलेट करा। हाउ विल अनुज नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करना है। Will and shall have been हम लोग पढ़ रहे हैं। Let's make each sentence into six boxes। मतलब एक सेंटेंस को छह तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। तो एट सेंटेंसेज हैं यहाँ पर। एट सेंटेंसेज को अगर आप मल्टीप्लाइंग करेंगे सिक्स से तो हो जाएंगे 48। अब इन सभी को मिलाकर आपको 48 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। 48 सेंटेंस बना करके आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे सिक्स बॉक्सेस में कैसे करेंगे, जैसे ये रहा आपका। तो रोहित कल से गाना गा रहा होगा। रोहित कल से गाना नहीं गा रहा होगा। क्या रोहित कल से गाना गा रहा होगा? क्या रोहित कल से गाना नहीं गा रहा होगा? रोहित कल से गाना क्यों गा रहा होगा? रोहित गाना कल से क्यों नहीं गा रहा होगा? जब इसको आप सिक्स स्ट्रक्चर्स के साथ ट्रांसलेट करेंगे इन सिक्स, तब आपके टोटल सेंटेंस जो हैं, जब आठ के आठ आप ये करेंगे तो आपके 48 सेंटेंसेस बनेंगे और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट करके आपको प्रैक्टिस करना है। कन्वर्ट करो या ट्रांसलेट करो, कहने का मतलब है ट्रांसलेट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप लोग थोड़ा जल्दी सीख पाए। प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे, जल्दी बोल पाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द इंग्लिश शो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में कम से कम एक लोगों को शेयर जरूर करें। अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।